अदृढ़ चाहतम ज्ञानम प्रमादेन चाहतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपहा। ज्ञान हम सुनते तो हैं पर स्वीकार नहीं कर पाते हैं महाराज, आत्मसात नहीं होता है। ये जो कहा जाता है ना, सब लोग जयराम जी की बोलो, व्रत करना चाहिए, दान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, परमार्थ परोपकार भलाई, गाय माता को रोटी, कुत्ते को रोटी, साधु ब्राह्मण को रोटी, दीन दुखी की सेवा, ये सब जो कहा जाता है ना, ये इसी के लिए कहा जाता है कि हमें ज्ञान को आत्मसात करने की पात्रता आ जाए महाराज। यस, ये सब इसके लिए। अब आपके पास ज्ञान आ गया है तो आप सब कुछ ठीक से ही कर लेंगे, सब ठीक से कर लेंगे। राम अवध में भी जैसा बढ़िया करते हैं ना, वैसा ही बढ़िया चित्रकूट में करते हैं महाराज। ऐसा नहीं कि अयोध्या में सब सुविधाएं हैं तो वहीं पर अच्छा कर लेते हैं, चित्रकूट में भी वैसा ही करते हैं, पंचवटी में भी वैसा ही करते हैं। अरे यहाँ की बात तो छोड़ो, रावण की लंका में जब राम पहुँच जाते हैं, राम वहाँ भी सबका कल्याण करते हैं महाराज। आपके पास ज्ञान है तो आप कहीं भी रहेंगे आप अच्छा ही करेंगे महाराज। दान करिए, पुण्य करिए, तीर्थ करिए, व्रत करिए, सेवा करिए, भलाई करिए, उद्देश्य एक ही है, आपके अंदर वो ज्ञान की आत्मसात करने की पात्रता विकसित हो जाए बस। नहीं ज्ञानी ने सदृशम पवित्र में ही विद्यते, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरेणादि गच्छति। आपके जीवन में शांति ज्ञान से आएगी। लोग पूछते महाराज बहुत परेशान है, शांति के लिए कोई उपाय, सुख शांति का कोई साधन। अब हम अलग से भगवान को ओवरटेक करें क्या करें भैया? क्या हम भगवान को ओवरटेक कर दें? भगवान स्वयं ही कह रहे हैं ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम। हम कैसे भगवान को ओवरटेक करके कोई और रास्ता बता देंगे आपको? और सुख शांति का ज्ञान के अलावा अगर हम कोई रास्ता आपको बता रहे हैं तो हम आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं महाराज। कीप इन माइंड, ध्यान रखिएगा। भगवत भक्ति, भगवत भजन, भगवत समझ के अलावा कोई और रास्ता है नहीं सुख शांति का महाराज। भजन कोई हमने बनाया नहीं, याद आप सबको भी है, मिलता है सच्चा सुख केवल। जब मैं छोटा था ना, जब भी ये भजन था महाराज, तो ये मैंने नहीं बनाया, पहले कही है महाराज। यही भजन भी यही बात कह रहा है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में। इसीलिए यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दीननाथ तुम्हारे चरणों में।